पिताजी इस फिल्म का जो थीम है सर, ये फिल्म का कोई थीम नहीं है सिवाय इसके कि आप आए अपना दिमाग घर पे छोड़ आए और बस तीन घंटा हंस के चले आए। इट्स नो डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कमर्शियल हिंदी सिनेमा। एक तो बड़े मियाँ है, एक छोटे मियाँ है और साथ में दो और हैं जो कि हम शक्ल है, दो लड़कियां हैं और एक डेविड धवन है। बताइए कि क्या होगा उसका। अच्छा आप लोग नहीं थे उसमें, देर में आए। मैं ये कहूंगा कि अभी तक जितनी भी मेरी एंटरटेनिंग फिल्म आई इससे पहले, तो मेरे ख्याल में सबसे उम्दा और बहुत ही सुंदर बनी। उसका सबसे बड़ा रीजन नो डाउट बड़के भैया उनके चतुर्छाया में उनके आशीर्वाद से हमने एकदम और भी मनोभर खुल के हंस के परिवार की तरह काम किया। तो जो जो चीज प्रेम से की जाती है वो फलती है, जो फलती है उसके लिए लोग झपटते हैं। तो भगवान से प्रार्थना है कि जो सोच रहे हैं वो। अभी जी आपने भी कहा कि तीन घंटे दिमाग घर छोड़कर आए और आप वो कह रहे थे कि बॉक्स ऑफिस पर जो हालत है इस टाइम फिल्मों की, तो ऐसे में लोगों को तीन घंटे वहाँ बैठने के लिए क्या चीज मजबूर करेगी आपकी? वो चीज जो देखना चाहे तीन घंटे के लिए। और क्या क्या है मतलब आपके कैरेक्टर में क्या याद रखेंगे लोग तीन घंटे बाद, याद नहीं रखेंगे उसके बाद? बस हंसी खुशी का माहौल है। अभी आपसे कहा कि एक बड़े मियाँ है एक छोटे मियाँ है और उन्हीं के जुड़वा है दो, कोई अंतर नहीं है और कहीं ऐसा नहीं है कि मेले में बिछड़ गए हूँ। जरूरत होती है बहुत, इसकी हमें बहुत बड़ी चिंता है। अरे बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, यदि आपने दिमाग लगा लिया तो बड़ा मुसीबत हो जाएगी। अरे हंसने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन जब आदमी बहुत हंसता है तो अपने आप जाने अनजाने दिल को ज्यादा यूज करता है, तो दिल का ज्यादा उपयोग होगा। आप लोगों ने दिमाग लगाया है कि दिल लगाया? दिमाग लगाया है कि आप दिल लगाए। छोटे मैंने कुछ हमें लाहरी लाहरी कर रहे हैं लाइन। छोटे मैंने कुछ हमें एक दो शेर सुनाए थे, तो अगर बड़े मैंने उसमें कुछ जोड़े। नहीं हमारा कोई शेर नहीं है इस फिल्म में, है क्या? नहीं है, नहीं वो अलग से सुनना चाह रहा है। अच्छा, हमको शेर भी रहता है कुछ आवाज़। अरे प्लीज प्लीज ये माहौल नहीं है उसका। सर ये बताइए कि माहौल बन जाए, बन जाए। धैर्य धैर्य। प्रकाश मेहरा साहब ने जीरे टू बनाने का एक इरादा जताया। हाँ मैंने भी उसको पढ़ा। जी साहब से बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स की जरूरत है मौजूदा जो हाल है फिल्म इंडस्ट्री में, जो फिल्मों के हिट या फ्लॉप होने का कोई फर्क, कहानियां या अच्छे निर्देशकों का वो दौर नहीं है जो शायद 70s में था, जैसे सलीम जावेद थे जिन्होंने एक एंग्री यंग मैन का एक पूरा एक कल्ट फिगर रिसर्च किया। तो आपको क्या लगता है, ऐसा है क्या? कुछ हद तक ये बात सही है, आजकल लेखक जो है वो इतना ज्यादा नहीं हमारे सामने आ रहा है अच्छा लेखन। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि एक दौर होता है और हर दौर में अपने अपनी एक लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं। सलीम जावेद के दौर से पहले वालों से अगर आप बात कीजिएगा तो वो कहेंगे हमारे जमाने में जो लिखा जाता है वो आजकल नहीं ठीक से लिखा जाता। तो आजकल की जनरेशन को शायद यही चाहिए। नहीं मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, आजकल की जनरेशन मेरे ख्याल से काफी रुचि रखती है अच्छे लेखन में, अच्छी शायरी में और अच्छी। ठीक है, ये तो बात सुनकर के हमको बहुत खुशी हो रही है, हम भी उसमें अब ध्यान रखेंगे कि कहीं मिल जाए। यदि आपको एक आध नाम मालूम हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि आजकल बड़ी कमी है। कलाकार की हैसियत से एक अभिनेता की कलाकार की हैसियत से तो कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती, न मिलनी चाहिए। प्रतिदिन जो है वो जो अपेक्षाएं हैं आपसे, जो शायद लोग जो आपसे एक्सपेक्ट करते हो, क्या आपको लगता है आप वो डिलीवर कर पा रहे हैं? न कर पा रहे होंगे तो प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि कर दें, इसीलिए तो यहाँ बैठे। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि आपकी बात अर्जन लाइफ पर सोना था बहुत कुछ बड़े आदमी के बड़े दुश्मन होते। देखिए किसी किसी ख्याति के लिए हम लोग ने कभी काम नहीं किया, मैंने तो कभी काम नहीं किया, बस ये लोगों का स्नेह मिल जाए और अपने कार्य में हमसे हमें तसल्ली मिले, पूर्ण तरह से तसल्ली मिले और प्रतिदिन एक नया चैलेंज हो, बस यही हमारे जीवन है। समझता हूँ कि यही है सब। डेविड धवन साहब, आपको अपने दोनों ही अभिनेताओं के काम से संतोष है? सब बढ़िया है, आप देखिए दिखाते हैं आपको।
आज की राजनीति देश को कहां ले जाएगी हमें? सर हम तो यही एक नागरिक होने के नाते यही उम्मीद करते हैं कि राजनीति इस देश को और उज्जवल बनाए।